ഇതും കഴിയാൻ ചെക്ക് ഇട്ടുണ്ടൊക്കെ श्री महाकालेश्वर शिवदुर्गा मंदिर कृष्णा नगर कठुआ से मैं नरेंद्र खजूरिया अध्यक्ष इस मंदिर कमेटी का बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्षोल्लास की बात है कि हिंदू धर्म के अंदर सावन मास का एक विशेष महत्व है और उस महत्व को पाते हुए हमारे श्रद्धालुगण जितने भी हैं वो इसका पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। सुबह से ही लेकर कतारों में जहाँ पे भोले बाबा की आराधना अर्चना वंदना जो है वो श्रद्धालुगण जल चढ़ाकर उसका अभिषेक करके पंचअमृत से स्नान करके जहाँ पे अपनी आस्था का प्रतीक जो है वो जहाँ पे दर्शाते हैं। सभी मंदिरों के अंदर काफ़ी रौनक होती है इन दिनों के अंदर और ख़ास तौर से हमारे माँ कालेश्वर मंदिर में हर शनिवार सावन मास के अंदर हर शनिवार जहाँ पे सुबह भी शनिदेव का लंगर जो है वो मालपूड़े कड़ा चने वगैरह खीर वगैरह लगा होता है और शाम को भी श्रद्धालुगण जो है वो अपनी नेक कमाई से जहाँ पे लंगर का आयोजन करते हैं। तो उसी संदर्भ में अभी शाम को भी जहाँ पे आलू पूरी कड़ा मालपूड़े चने वगैरह जो है वो श्रद्धालुओं के बीच में वितरित किए जा रहे हैं। तो हम मंदिर कमेटी वाले सदस्य जितने भी हैं हम सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि अपनी नेक कमाई का हिस्सा जो है वो जरूर मंदिरों के अंदर लगाएं, जरूर अपना लंगर जहाँ पे किया करें और किसी गरीब को किसी मजबूर को इन महीनों के अंदर उनको जरूर खाना परोसा जाए ताकि ये आस्था जो है वो बनी रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी जो है छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं वो भी देखें कि हमारे माता पिता जो हैं वो इन दिनों के अंदर इतने अग्रसर कैसे हो जाते हैं। ये तो दान दक्षिणा जो होती है किसी को अन्न दान करना, खाना खिलाना या किसी की मदद करना ये साल के 365 दिनों में ही करनी चाहिए, लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर इस मास का जो है ये विशेष महत्व है और सभी श्रद्धालुगण जो हैं वो इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। और हम ये भी अपील करेंगे कि इस मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई अपनी माता पिता की याद में अगर कोई नया मंदिर बनवाना चाहता है जहाँ जहाँ पे लंगर हाल बनवाना चाहता है जहाँ और कोई विशेष बात इस मंदिर के अंदर करवाना चाहता है तो वो मंदिर कमेटी के साथ संपर्क कर सकता है, मिल सकता है, उसका पूरे का पूरा जो पैसा जो है वो अच्छी उसकी नेक कमाई जो है वो भगवान के चरणों में लगे ताकि उनके आने वाली पीढ़ी जो है वो भी आनंद ले, वो भी ये सीखे अपने माता पिता से अपने बड़े बुजुर्गों से कि मंदिरों के अंदर दान करना जो है जो बहुत जरूरी है।